एक बार एक स्कूल में एक फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता होने वाली थी और इस प्रतियोगिता में एक छात्र गांधी जी का रूप धारण करने वाला था। लेकिन घर से स्कूल आते समय अन्य बच्चों के साथ मौज मस्ती में वह अपना वेशभूषा का सारा सामान रिक्शे पर ही छोड़ आया था। जब वह स्कूल पहुंचा तो उसे याद आया कि उसका सारा सामान तो रिक्शे पर ही छूट गया है और वह उदास और परेशान होकर रोने लगा और रोते हुए वह अपनी टीचर के पास जाता है। टीचर उससे कहती है, बेटा परेशान मत हो, और उसके कपड़े बदल कर उसको एक चादर की धोती बनाकर पहनाती है। पास की झाड़ियों से एक झाड़ तोड़कर उसके हाथ में थमा देती है और उसके शरीर और धोती पर थोड़ी सी मिट्टी लगाकर बच्चे से बोलती है कि अब जाकर कहो कि तुम एक किसान हो और जब तक मैं मिट्टी और कीचड़ में काम नहीं करूंगा तब तक अन्न उत्पन्न नहीं होगा। वह बच्चा जाकर वैसा ही बोलता है और उसको दूसरा पुरस्कार प्राप्त होता है। मित्रों, जब भी हम किसी कठिन परिस्थिति में या विपत्ति में पड़ जाएं, तो हमें घबराना नहीं चाहिए, लेकिन साहस और समझ बूझ के साथ काम करना चाहिए। बाइबल में लिखा है, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है।